तो अभी ये जो फ़ोन है ना, सैमसंग का फ़ोन है, और ये फ़ोन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन अपने आप चलते चलते स्विच्ड ऑफ हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़ोन को हम रख भी देते हैं, उसके बाद भी अपने से रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब फ़ोन चालू हो करके अपने आप बंद होना, और फिर से अपने आप फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो जाना और फिर से चालू हो जाना, ये प्रॉब्लम आ चुका है इस फ़ोन के अंदर में। और अभी ये प्रॉब्लम जो है वो मैं सिर्फ 2 मिनट का ये वीडियो में ठीक करके आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई फ़ोन है और उस फ़ोन में ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, अगर आपका हार्डवेयर इशू होगा तब आपको मार्केट जाने का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इशू के कारण ये फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, उसे आप 2 मिनट में ठीक कर सकते हो। ये प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में हार्डवेयर के कारण है या सॉफ्टवेयर के कारण हो रहा है, इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा ट्रिक है, उस ट्रिक को आप फॉलो करो और एक बार ठीक करने का कोशिश करो। अगर ठीक हो जाता है फ़ोन, तब समझो कि भाई ये तो सॉफ्टवेयर का ग्लिच था। लेकिन अगर हमारे ट्रिक से ठीक नहीं हो रहा है फ़ोन, तब समझ लेना कि आपका फ़ोन जो है वो हार्डवेयर के कारण ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल चलो इस ट्रिक को हम आपको बताते हैं। तो देखो, मैं एक बात पहले ही बता दूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जो है वो एक फ़ोन का ऑप्शंस होता है जो आपको हार्ड रिसेट करने के बाद ठीक होता है। तो सबसे पहले इस फ़ोन को आपको करना पड़ेगा हार्ड रिसेट। और हार्ड रिसेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आखिर इस फ़ोन में जो भी डाटा है आपका, जैसे फ़ोटो, वीडियो, फ़ोन नंबर, सब कुछ आप बैकअप ले लो, अपने दूसरे फ़ोन में डाल दो या फिर मेमोरी कार्ड में ले लो, उसके बाद आप फ़ोन को हार्ड रिसेट करना, वरना आपका फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो सारा डाटा को आप बैकअप लेने के बाद आपको फ़ोन को हार्ड रिसेट करना है, और हार्ड रिसेट करने के लिए इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। तो चलो मैं आपको सारा जानकारी देता हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। दोस्तों, फ़ोन को हार्ड रिसेट करने के लिए आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर देने के बाद आपको जो स्टेप्स बताई जा रही है, वो स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है। फ़िलहाल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, अब फ़ोन को हार्ड रिसेट करना है। हार्ड रिसेट करने के लिए रिकवरी मोड ओपन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको रिकवरी मोड ओपन करना है। तो फ़ोन को हार्ड रिसेट करने के लिए आपको यहाँ पे पावर बटन और यहाँ से वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। जैसे जैसे मैं दबा के रखता हूँ, उसी तरह से आप भी दबा के रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो जब आपका फ़ोन का रिकवरी मोड ओपन हो जाए, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन को हार्ड रिसेट करने के लिए वाइप डाटा के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा, इस कोड को इंटर करते ही आपका फ़ोन वाइपिंग डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फ़ोन हार्ड रिसेट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इस फ़ोन को हार्ड रिसेट नहीं करने वाला हूँ, इस फ़ोन में मेरा इम्पोर्टेंट डाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए मैं इस फ़ोन को हार्ड रिसेट नहीं करूँगा।